सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सदर से चुनावी मैदान में हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे संवाददाता ने जौनपुर की जनता से इसके बारे में भी बातचीत की और भी तमाम मुद्दों पर बात की, जरा सुनिए। सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से और पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अटकलों पर विराम लगा और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से और अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जहां योगी पूर्वांचल को मजबूत कर रहे हैं, वहीं अखिलेश मध्यांचल को मजबूत कर रहे हैं। हम जौनपुर मौजूद हैं और जौनपुर की आवाम है, यहां के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वारिंद्र पांडे। पांडे जी, ये बताइए, जिस तरह से चुनाव चल रहा है 2022 का और योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, अखिलेश जी मैनपुरी से, तो अखिलेश का गढ़ है वो, तो कैसे देखते हैं आप चुनाव में, क्या परिणाम आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, किसी भी दल का जब शीर्ष नेतृत्व कहीं चुनाव लड़ता है तो उसके इर्द गिर्द की कई विधानसभाओं पर उसका असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे और उस पूर्वांचल की सारी सीटों को वो प्रभावित कर रहे थे, तो उस तरह से चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गोरखपुर के आसपास 9 विधानसभाएं हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि उन 9 विधानसभाओं के अतिरिक्त पूर्वांचल के और किन्हीं जिलों पर भी उसका असर रहेगा और वो चुनाव को निश्चित प्रभावित करेगा। उसी कड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी सपा मुखिया करहल से चुनाव लड़ने की संभावना उनकी व्यक्त की जा रही है। इसके पहले वो सांसद के रूप में आजमगढ़ को का प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसे में उनके लिए कई सीटों की तलाश की गई, गोपालपुर जैसी सुरक्षित सीट, और उसके साथ सपा के कार्यकर्ताओं का आग्रह हुआ कि आप करहल से चुनाव लड़िए। तो मैं मान के चलता हूँ कि मध्यांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कतिपय कई सीटों पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। जैसा पहले एक कयास लगाया जा रहा था कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश, आजमगढ़ से लड़ते तो लड़ाई कुछ और होती, वहाँ से लड़ रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, आजमगढ़ से लड़ने का मतलब ये होता है जब कोई राजनीतिक पार्टी चिर प्रतिद्वंदी हो, जैसे कि ये चुनाव मुझे लगता है कि ये आमने सामने का चुनाव सपा और भाजपा के बीच में होने जा रहा है, माफ करिएगा, सपा गठबंधन और भाजपा के बीच में। ऐसी स्थिति में यदि आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते अखिलेश यादव और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी रहते, तो इसका जो सीधा सीधा मुकाबला होता वो उन लोगों के कद को बताता कि योगी आदित्यनाथ जी का कद कितना बड़ा है या अखिलेश जी का कद कितना बड़ा है, उसके एवज में पूर्वांचल की सीटों पर किसका आधिपत्य बनेगा, कौन लहराएगा परचम और किसको मिलेगी उत्तर प्रदेश की कुर्सी, यह तय हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और लोग, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अजीत कुमार सिंह। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव के समीकरण को, जिस तरह से गोरखपुर से योगी जी है और करहल से अखिलेश यादव? आजमगढ़ की जो धरती थी जैसे अखिलेश यादव की, वो खिसक चुकी है। उन्होंने आकलन तो किया पहले, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उनको मना किया कि आजमगढ़ में जो आप विकास कार्य किए वो नहीं हुआ, जो झूठे वादे किए वो फ्लॉप है। वहीं योगी जी ने जो गोरखपुर में काम कर दिया है उससे उनको लगी कि यहाँ की जमीन घिसक गई है, यहाँ चुनाव लड़ने से उनका चुनावी एजेंडा ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए फिर वापस अपने मैनपुरी से ही जाकर, वहाँ से कराट से जाकर चुनाव लड़ने के लिए वो तत्पर हैं। क्योंकि पूर्वांचल की धरती ऐसे नकमों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जो पूर्वांचल का विकास न करे, और विकास नाम पे मैं अखिलेश यादव को 0 वोट देता हूँ, चाहे सरकार में रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, आज न हों। एक लोकसभा जिनसे नहीं संभलती वो उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे, जिनको वैक्सीन डर लगता हो कि हम वैक्सीन से लगवाएंगे तो दिक्कत होगी, पूरा देश वैक्सीन, फिर बाद में वही अखिलेश यादव वैक्सीन लगवाते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जब धन जन खाते की बात करते हैं तो कहते हैं क्या होगा, अरे ये खाता खोल क्या होगा, अब तो गरीब डायरेक्ट पैसा पा रहा है, अब क्या होगा। जिनकी धरती हिल गई हो, जिनका कोई औचित्य नहीं हो, जो पारिवारिक विवाद में हो, अभी उन्हीं की घर की बहू अपाड़ा यादव भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई हैं, लेकिन वो अपने बहू बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर कौन सा उनका उचित है, उनको तो राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? हम यहाँ बात करेंगे, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रिका यादव। चंद्रिका जी, ये बताइए किस तरह से समीकरण है, क्या लड़ाई होगी और कितनी कितनी सीटें तकरीबन मिल सकती है, किसकी सरकार बन, क्या लगता है आपको? देखिए, जो हम लोग देख रहे हैं तो बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलनी चाहिए।